नमस्कार बच्चों, मैं हूं रणजीत और आज आपके लिए दसवीं कक्षा यानी बिहार बोर्ड के दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी बुक जो गोधोली भाग टू से है, चैप्टर दो का विषय है विष के दांत। विष के दांत चैप्टर के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और इस तरह इसको पढ़ने का, इसको सुनाने का प्रयास करेंगे ताकि एक बार में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो इसे एक बार आप जरूर सुने, जरूर पढ़ें ताकि आपको प्रश्न का उत्तर देने में किसी तरह का परेशानी ना हो। तो आइए हम सीधे विषय पे चलते हैं। चैप्टर दो में विष के दांत एक कहानी है जो नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं जो इस किताब में है। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी के पटना के बदरघाट में हुआ। ये पटना में एक जगह है बदरघाट जहां पर नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म होता है। वे जर्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी सबसे बड़े पुत्र थे। उनके माता का नाम रत्नावली शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ थे उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक उनकी मृत्यु न हुई, यानी कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में कुछ चर्चा इस पुस्तक में है। तो उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं इसके बारे में बताया गया है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रबद्ध और नकेन दो, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। यानी इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है उसके बारे में ये चर्चा है, उनका नाम है। तो एक बार आप जरूर पढ़कर समझ ले ताकि उनके पुस्तक का नाम को जानने समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद तथा वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के अग्राही लेखक थे। उसने प्रायः परंपरागत दृष्टि और शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी जो इस किताब में है, जो हम पढ़ेंगे, जो आप सुनेंगे,
यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही अस्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक ओर सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। तो ये थे नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में, और अब हम उनके द्वारा जो लिखा गया है कहानी विष के दांत, उसके बारे में जानें। उससे पहले कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पात्र हैं, इसके बारे में जान लें। तो विष के दांत में मिस्टर एंड मिसेज सेन, यानी श्रीमान और श्रीमती सेन का परिवार है। उनकी 5 बिटिया का चर्चा है, और इसमें खोखा यानी सेन का बेटा है, जिसको खोखा नाम है, उसको प्यार से काशु भी कहते हैं। तो आइए, ये मोटा मोटी इसमें पात्र परिचय के रूप में है, और हम इसको अब विस्तृत से कहानी को जानते हैं। तो ये कहानी है विष के दांत। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में की अब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर, शोफर का मतलब होता है ड्राइवर, तो क्लीनर और शोफर की शामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोकी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। खोखा खोकी का मतलब होता है बच्चा बच्ची, यानी कि कोई भी बच्चा इस गाड़ी के पास नहीं आना चाहिए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी और सो भी लड़कियां, तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी इन्हें बड़ी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रश्क के साथ, रश्क का मतलब होता है ईर्ष्या, सेन परिवार के मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन घर में खोखा भी तो है। खोखा यानी सेन परिवार में एक लड़का का नाम है, जिसे प्यार से काकू कहते हैं।
लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हूं, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े ही नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, पर वह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो वो खोखा से ही। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग और दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर उनके बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव, दुर्ललित का मतलब होता है लार प्यार से बिगड़ता हुआ, यानी लार प्यार में बिगड़ जाना। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भरकीले ड्राइंग रूम में बैठते और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी, दूरंदेशी का मतलब होता है समझदारी, तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी उसे इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, अखबार नवीस का मतलब होता है पत्रकार, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे, साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसके कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते हैं, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के बारे में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर, शोफर मतलब ड्राइवर, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत शर्म गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब,
मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैं उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी मां भी आकर खा मखा मुझसे उलझ रही है। मदन की मां कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गए। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की मां, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की मां अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं कि मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशु। काशु खोखा को ही प्यार से बोलते हैं, बड़ा शरारती हो गया है काशु, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर आ गई। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब की ओर आगे बढ़ गए। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि काशु ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हां कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम वहीं बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई है। काम तो काशु बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया, पर पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने रहे। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियां पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि काशु ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया। शोक का मतलब होता है नटखट। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को गंदा किया वह अलग,
मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन ने चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त को खाल उधेर दूं। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की पकपक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन दूसरे दिन ही बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले की अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वही धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़के को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। काशु तैश में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा ना ताओ मदन को एक घूसा रसीद कर दी, यानी एक घूसा मार दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट काशु पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो काशु शेर हो जाता। वहां से तो एक मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहां। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हां, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता भी कहां। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा, फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। मां नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं पा सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा,
अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस में ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तजबीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला गया तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ आई। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में आ छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निसहाय निष्ठुर के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन के हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह का प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। तो ये रही विष के दांत कहानी। और ये इस कहानी में और इस कहानी को सुनकर आप अपने प्रश्न और उत्तर को आसानी से बना सकते हैं। तो आज इतना ही और हम दूसरे वीडियो में तीसरी चैप्टर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।